अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिन्यामीन शौकत एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि आप बगैर बिजली बगैर गैस के किस तरह ड्रायर बना सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सोलर ड्रायर की जो सूरज की रोशनी से चलता है और आप जो भी इसमें रखेंगे उसको खुश्क कर देता है। नाज़रीन, सोलर ड्रायर की इंफॉर्मेशन के लिए आज हम NARC इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आइए आपकी मुलाकात सोलर ड्रायर के माहिर से करवाते हैं। मेरा नाम इंजीनियर बदर मुनीर, मैं एज ए साइंटिफिक ऑफिसर यहाँ पे ड्यूटीज अंजाम दे रहा हूँ। सोलर ड्रायर है, ये हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जो है डिहाइड्रेशन के लिए हम यूज करते हैं। बेसिकली इसमें दो पार्ट होते हैं, एक हमारा एयर हीटिंग पार्ट होता है, एक हमारा ड्राइंग चैम्बर होता है। ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये हमारा एयर हीटिंग पोर्शन है। ये हमारा बेसिकली एक हमारे पास करुगेटेड मेटल शीट है जिसको ब्लैक पेंट किया गया हुआ है और ऊपर हमारा ग्लास है, सिंपल ग्लास। हमारी जो एयर है वो इसमें से मूव ऑन करती है, हीट अप होके इस चैम्बर में आ जाती है जो कि हमारा ड्राइंग चैम्बर है। इसके अंदर हमारे पास 6 ट्रेज हैं जिसके ऊपर जो है हम अपनी प्रोडक्ट को प्लेस कर देते हैं। हीटेड एयर जो है वो हमारी हीट होके राइज अप होती है, प्रोडक्ट में से पास होके बिल्कुल टॉप पे एक छोटा सा फ़ैन लगा हुआ है वो उसको एग्जिट करवा देता है। तो हमारी हीटेड एयर जो है वो मॉइस्चर को लेते हुए प्रोडक्ट में से उसको ड्राई करते हुए वहाँ से एग्जिट हो जाती है और ये साइकिल हमारा चलता रहता है अनटिल अनलेस हमारी जो रिक्वायर्ड मॉइस्चर है वो अचीव हो जाता है। ये हमारा बेसिक प्रोसेस है ड्राइंग का। इस वक्त इसमें क्या ड्राई हो रहा है? इसमें सर इस वक्त हमने एक हमारे फार्मर का एक ट्रायल है। फार्मर जो है वो पोटैटोज़ को ड्राई करना चाह रहा था, उसमें वो चाहता है कि पोटैटो का मीन्स मतलब पोटैटो का जो कीमा करके मैं ट्राई करना चाहता हूँ, तो वो हमने उसकी रिक्वेस्ट पे ये ट्रायल्स लगाए हैं पोटैटो को मीन्स करके। तो हमने इसको रखा है और इसका जो है हम अब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं इस पर हमारे पास क्या है। इसके अलावा हमने इस पर लाइम भी ट्राई करना है, लाइम के स्लाइसिस करके तो हमने उसको भी ट्राई करना है इसके अंदर। सर, इसको ड्राई होने में कितने दिन लगेंगे? बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट, उसका इनिशियल मॉइस्चर क्या है और फाइनल आप किस मॉइस्चर तक लेके जाना चाहते हैं। यूजली इसमें हमारे पास 2.5 से 3 दिन जो है वो एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं जो ड्राइंग टाइम हमारा लगता है। ये बैटरी ऑपरेटेड है बेसिकली और साथ सोलर पैनल भी होता है। बैटरी हम बैकअप के लिए रखते हैं कि अगर हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं अवेलेबल तो बैटरी बैकअप देती है। इसके अलावा सोलर प्लेट है जो बेसिकली DC फैन को चला रही है, इसमें ऑपरेट कर रही है। तो ये डिसेंट्रलाइज है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी या इस तरह की कोई भी चीज़ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सर, रात में ये बंद हो जाता है या चलता रहता है? जी, रात में इसमें वर्किंग नहीं होती, रात में जो है हम इसको बंद कर देते हैं। और बेटर ये होता है कि आप इसको किसी कपड़े या पॉलीथीन से शीट से कवर कर दें ताकि रीवेटिंग जो है रात को अगर कोई मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है तो वो प्रोडक्ट में जो दोबारा मॉइस्चर एड अप ना हो। दिन टाइम में आपने वो रिमूव कर देनी है और ये दोबारा प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है। अच्छा सर, ये जो प्रोडक्ट है ये किसने बनाई है? ये बेसिकली लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, ये हमारे अपने इदारे ने डिज़ाइन और डेवलप की है। ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, लोकली अवेलेबल है। ये हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर NARC चकशजार। ये हमारी लोकली डिजाइन एंड डेवलप टेक्नोलॉजी है। और सर, ये शीट के ऊपर आपने ब्लैक पेंट किया हुआ है, इसकी क्या लॉजिक? बेसिकली जो ब्लैक बॉडी होती है वो मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, तो ब्लैक कलर करने का मकसद है जो सन रेज आ रही हैं वो मैक्सिमम कैप्चर हो जाए, मिनिमम रिफ्लेक्शन हो। कोई और जो कलर होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। ब्लैक बॉडी मैक्सिमम रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, आपके पास मैक्सिमम एयर टेम्परेचर राइज होता है इस वजह से। और ये जो करुगेटेड है जो इसको ये शेप दी गई है, ये इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होती है कि आपका सरफेस एरिया बढ़ जाए, ज़्यादा सरफेस होगी तो ज़्यादा एनर्जी ट्रैप होगी आपकी। सर, इसकी कॉस्ट कितनी होगी तकरीबन इस यूनिट की और इसकी कैपेसिटी क्या है? सर, ये बेसिकली ये भी डिपेंड करती है कैपेसिटी क्या, प्रोडक्ट क्या रखते हैं। यूजली जो हम इसकी कैपेसिटी करते हैं बताते हैं इसकी 15 kg के करीब राउंड अबाउट कैपेसिटी है एक बैच की। और जो कॉस्ट की बात करें तो ये यूजली आपको जो है मैक्सिमम भी 35-40 हज़ार की प्राइस में जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। इसमें एक्सपेंसिव चीज़ सिर्फ ये है कि ये जो बॉडी है ये एलुमिनियम की है, तो ये इस वजह से बनाई जाती है कि ये वेदर रेजिस्टेंट होती है, मतलब बारिश वगैरह या नमी का इफेक्ट इस पर नहीं होता, इस वजह से ये वेदर रेजिस्टेंट है। इसकी थोड़ी सी कास्ट होती है, बाकी तो बेसिकली मेटल वर्क है, उसकी इतनी ज़्यादा कास्ट नहीं। नाज़रीन, ये था सोलर ड्रायर के बारे में प्रोग्राम, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही बिन्यामीन शौकत को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।